घर पे माहौल बनाइए, क्रिएट करिए कि बच्ची जो है अपने घर में सुरक्षित रहे और बाहर सुरक्षित। इसको आप ही कर सकती हैं, माता ही कर सकती हैं। कोई भी बात बच्चा कहता है, बेटियां कहती हैं, उसको ध्यान से सुनिए। किसी भी विषय में कहता है कि कोई भी बताता है कि कोई ये चीज मुझको गड़बड़ लग रहा है या कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, उसको सुने। क्यों कह रही है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई ना कोई समस्या हो सकती है। प्लान पे जाने वाले से बातचीत कीजिए, उस टॉपिक को डिस्कस कीजिए, पता करिए कि क्या सच में जो मुझे गलत लग रहा है वो गलत है क्या, और अगर गलत है तो उसका विरोध करना शुरू करें। और बदलाव तब यहीं से आता है जब हम किसी गलत चीज का विरोध करना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो नियम बनाया गया था उसको वैसा के वैसा उसके ऊपर पैर रख के चलते चले जाए। वो नियम बना, नियम बहुत सारे बने थे, बहुत सारे गलत नियम बने थे जिनको लोगों ने बदल दिया पहले, और अब हमको भी कुछ नई पहले करनी पड़ेगी अपनी उन्नति के लिए। हम आज स्थिति में हम ये चाहेंगे ना कि मेरी बेटी मुझसे आगे बढ़े, वो कैसे बढ़ेगी अगर हम उसे तो उसी पुराने नियमों में चलाते रहेंगे? तुम्हारी बेटी आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी ना। हमें तो उसके लिए नियम बदलने। बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा हो, उसको उसके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा हो, तो फिर 1098 पर कॉल करके उसकी समस्या बताई जा सकती है। वो लोग अपना पूरा काम करेंगे, आगे बच्चे की समस्या को सुलझाएंगे। और एक एकीकृत नंबर दिया गया है 112। अगर मान लीजिए आप लोगों को इनमें से कोई भी नंबर याद नहीं है तो आप लोग 112 पे डायल करके उसके थ्रू किसी भी नंबर से बात कर सकते हैं। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि बेटियों के जन्म पर, बेटियों के जन्म पर खुशी मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, तथा बेटियों की शिक्षा, तथा बेटियों की शिक्षा, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन, एवं स्वावलंबन के लिए तन मन धन से, तन मन धन से समर्पित होकर, समर्पित होकर स्वस्थ एवं सुरक्षित, स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज के निर्माण, समाज के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान, अपना पूर्ण योगदान देंगे, देंगे। Thank you.